हम लोग टेक्सस प्लांट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो टेक्सस प्लांट को जो है यू प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेक्सस जो है यह प्लांट किंगडम जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत आने वाला एक जीनस है और यह अर्थात यह जिम्नोस्पर्म्स का एक सदस्य है। तो टेक्सस प्लांट को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेक्सस जो है सो प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है, तो इसका जो किंगडम हो गया वह प्लांटी हो गया। उसके बाद इसका जो डिवीजन है वह है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा इसका डिवीजन क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें जो है सीड का फॉर्मेशन होता है। तो जिस प्लांट में जो है सीड का फॉर्मेशन होता है उसको जो है सो डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा में रखा जाता है। उसके बाद इसका सब डिवीजन है जिम्नोस्पर्मेई। तो इसका सब डिवीजन जिम्नोस्पर्मेई क्यों है, क्योंकि इसमें जो सीड लगते हैं वह नेक्ट सीड होता है, अर्थात वह ओपन सीड होता है, किसी फ्रूट के अंदर वह क्लोज नहीं रहता है। तो जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्लांट होते हैं उसमें जो है सीड जो होता है वह नेगेट सीड होता है, अर्थात ओपन सीड होता है। उसके बाद इसका जो क्लास है वह है कोनिफोरोपसाइडा। तो कोनिफोरोपसाइडा इसका क्लास है। तो इस क्लास के अंतर्गत वैसे प्लांट को रखा जाता है जिसका जो स्ट्रक्चर है वह जो है सो कोन के शेप में रहता है, अर्थात यह शंकुनुमा दिखाई देता है। तो टेक्सस का प्लांट भी जो होता है वह कोन के जैसा ही दिखाई देता है, अर्थात शंकुनुमा होता है। उसके बाद इसका ऑर्डर है टेक्सेलिस, फैमिली है टेक्सेसी और जीनस है इसका टेक्सस। यदि टेक्सस प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें तो टेक्सस का जो प्लांट होता है यह पूरे विश्व में पाया जाता है। विश्व में यह जो है सो किन किन जगहों पर पाए जाते हैं, तो यह मेनली जो है सो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में देखने को मिलता है। यह जो है सो एक जेरोफाइटिक प्लांट होता है, जो कि बहुत ही जहां पर पानी की कमी होती है वैसे जगहों पर यह आपको देखने को मिलता है। पूरे विश्व में जो है सो यह प्लांट जो है सो इसकी 9 जातियां पाई जाती है। इसकी टोटल नंबर ऑफ स्पेसिस कितनी है, 9 जातियां है। यदि हम इस प्लांट का भारत में बात करें तो इंडिया में जो है सो यह ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालय में पाया जाता है, हिमालय की खासी। उसके बाद ये नागर हिल्स, आसाम, मणिपुर और शिमला के पहाड़ी क्षेत्रों में ये जो है सो आपको देखने को मिलेगा। भारत में इसकी मात्र 2 जातियां पाई जाती है और वह जो है एक होता है टेक्सस वैलीचियाना और दूसरा है टेक्सस बकाटा। तो ये दो जो जातियां हैं इसकी वह जो है सो भारत में देखने को मिलती है। टेक्सस बकाटा को सामान्यतः जो है सो यू प्लांट के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट भी होता है। यदि टेक्सस प्लांट के फीचर की बात करें तो टेक्सस प्लांट को जो है सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको यू प्लांट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो टेक्सस के प्लांट को हम लोग यू प्लांट भी कहते हैं। टेक्सस का प्लांट पाया कहां पर जाता है, तो इसका जो ऑकुरेंस होता है वह लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को लगभग मिलता है। यह जो है सो पहाड़ी पर पहाड़ी इलाकों में ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि जेरोफाइटिक होता है, अर्थात जहां पर पानी बहुत कम होते हैं, अर्थात वाटर का लिक्विड स्टेट जो होता है वह कम होता है। यह जो है सो सी लेवल से लगभग जो है सो 1800 मीटर की ऊंचाई पर यह देखने को मिलता है। उसके बाद टेक्सस का जो प्लांट होता है यह स्पर्मेटोफाइटा होता है, अर्थात इसमें बीज बनते हैं। उसके बाद यह इवरग्रीन होता है। इवरग्रीन का मतलब यह हो गया कि यह प्लांट जो है सो बहुत हरा भरा प्लांट होता है। ये डेंस प्लांट होता है, काफी जो है सो झाड़ीदार होता है, ये घना होता है ना। तो जो टेक्सस का प्लांट होता है बहुत ही झाड़ीदार आपको देखने में लगेगा। उसके बाद ये जो है सो पेरिनियल होता है। पेरिनियल का मतलब ये हो गया ये बहुत लंबे समय तक जो है प्लांट जीवित रहता है। यह प्लांट जो है लगभग 3000 सालों तक जीवित रहता है, इसीलिए इसको जो है अमरत्व की निशानी भी इसको माना जाता है। चर्च वगैरह में जो है सो अमरत्व की निशानी के तौर पर इस प्लांट को जो है लगाया जाता है। तो टेक्सस का जो प्लांट होता है वह जो है सो पेरिनियल होता है, अर्थात बहुत लंबे समय तक जो है सो यह जीवित
सीमित रहता है। उसके बाद प्लांट की जो हाइट होती है, तो प्लांट का जो हाइट होता है या प्लांट जो होता है टेक्सस का मीडियम साइज का होता है, अर्थात लगभग 30 से 40 फीट तक यह लंबा होता है विथ मैसिव ट्रंक, यानी कि इसमें जो है सो इसका जो मेन ब्रांच होता है, जो मेन शूट होता है, वह बहुत सिलेंड्रिकल और थिक होता है, अर्थात मोटा होता है। और इस प्लांट का यूज जो है सो ऑर्नामेंटल के तौर पर भी किया जाता है, यानी कि सजावटी पौधों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह पौधा दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, सुंदर होता है, इसलिए इस प्लांट को जो है सो ऑर्नामेंटल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद टेक्सस का जो प्लांट होता है वह डायोसियस होता है। डायोसियस का मतलब यह हो गया कि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है, जो टेक्सस का प्लांट का मेल कोन और फीमेल कोन जो होता है, वह आपको सेम प्लांट पर देखने को नहीं मिलेगा, ये जो है अलग अलग प्लांट पर देखने को मिलेगा। तो टेक्सस का प्लांट जो होता है डायोसियस होता है, क्योंकि इसमें जो है सो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग प्लांट पर देखने को मिलता है तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग प्लांट पर देखने को मिलता है। उसके बाद सेड प्रोवाइडिंग, यानी कि पाइनस का जो प्लांट होता है वह बहुत ही घना होता है, बहुत ज्यादा जो है सो ब्रांच इसमें से निकलते हैं, इसलिए यह सेड प्रोवाइडिंग कहलाता है, यानी कि यह काफी जो है सो छाया प्रदान करता है। उसके बाद इसका जो स्पोरोफाइट है, यानी कि जो प्लांट बॉडी होता है, चूंकि यह जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत आने वाला प्लांट है, तो जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत प्लांट आने वाला जो प्लांट होता है वह बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है, और यह उसका जो प्लांट बॉडी है वह प्लांट बॉडी रूट स्टेम और लीफ में विभाजित होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि टेक्सस का जो प्लांट होता है इसका स्पोरोफाइट जो होता है वह रूट स्टेम एंड लीफ में डिफरेंटिएट होता है, यानी कि वह विभाजित होता है। अब चूंकि हम लोग इसके मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसके रूट का देखते हैं। तो जो टेक्सस का जो प्लांट होता है, तो टेक्सस के प्लांट में जो रूट देखा जाता है वह रूट टैपरूट टाइप का होता है। तो ये जो टैपरूट होता है बहुत ही ज्यादा हाईली ब्रांच होता है, इसमें बहुत सारे जो है सो लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं, और उस लेटरल ब्रांचेस में आपको जो है रूट हेयर देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, ये जो है सो टेक्सस का प्लांट है, और इस टेक्सस के प्लांट में यहां पर जो है सो ये टैप रूट है। इसके टैप रूट की विशेषता ये होती है कि इसका जो रूट होता है वह बहुत नीचे गहराई तक जो है सो जाता है, और इसमें बहुत सारे जो है सो लेटरल ब्रांचेज आपको देखने को मिलेंगे। यंग स्टेज में जो टेक्सस का प्लांट होता है उसमें जो रूट पाए जाते हैं उसमें इस लेटरल ब्रांचेज पर जो है सो आपको रूट हेयर बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। अब यदि हम लोग टेक्सस के प्लांट का जो स्टेम है उसके मॉर्फोलॉजी का अगर हम बात करें, तो टेक्सस के प्लांट में जो स्टेम पाया जाता है वह एरियल होता है, यानी कि यह सभी जो है सो पूरी तरह से हवा में ग्रोथ करते हैं, और इसमें जो ब्रांच स्टेम में जो ब्रांच जो ग्रोथ करता है इसमें कुछ ब्रांच जो होता है वह ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है और कुछ जो है सो हॉरिजॉन्टली में ग्रोथ करता है। इसी के कारण जो है सो क्या होता है कि यह जो प्लांट है टेक्सस का बहुत ज्यादा जो है सो झाड़ीदार दिखता है। इसका स्टेम जो होता है बिल्कुल इरेक्ट होता है, अर्थात सीधा होता है, और हाईली ब्रांच होता है, बहुत ज्यादा इसमें जो है सो आपको ब्रांच देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसका जो स्टेम होता है वह सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार रहता है, कवर्ड विद बार्क, और यह जो है सो ब्राउन कलर के जो है सो बार्क से जो है सो पूरी तरह से कवर रहता है, इसके ऊपर छाल आपको देखने को मिलेगा, बार्क देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो इसका जो स्टेम होता है वह मोनोमॉर्फिक होता है, यानी कि इसमें जो है सो डाइमॉर्फिक, यानी कि अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें सिर्फ एक ही तरह का ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि पाइनस का प्लांट जो था वह डाइमॉर्फिक था, उसमें दो तरह के ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे, एक जो होता है लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच और दूसरा अनलिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच, जबकि टेक्सस के प्लांट में जो है सो यह मोनोमॉर्फिक है, इसमें सिर्फ एक ही तरह के ब्रांच आपको देखने को मिलेगा, और वह जो है सो ब्रांच होगा सिर्फ अनलिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये काफी जो है सो डेंस होता है, काफी घना होता है,
एकदम बिल्कुल झाड़ी के जैसा लगता है, और इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वह इतना घना होने के कारण इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर है वह कैनोपी के जैसा होता है। इसके झाड़ी के इसके स्टेम जो होते हैं, जो इसमें ब्रांच निकलते हैं, उस ब्रांच के ग्रोथ के कारण जो है पूरा जो है सो आपको कैनोपी के जैसा यानी शंकु नुमा जो है सो दिखाई देता है। यदि हम लोग पाइनस के प्लांट के लीफ का बात करें तो इसमें बहुत ही ज्यादा जो है सो आपको लीफ देखने को मिलेगा। तो ये जो लीफ होते हैं इसमें दो तरह के लीफ आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है फॉलिएज लीफ और दूसरा होता है एस्केली लीफ। फॉलिएज लीफ जो होता है वह साइज में बड़ा होता है, जबकि एस्केली लीफ जो होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं। ये बहुत ही भरपूर मात्रा में जो है सो पौधे के ऊपर ग्रोथ करते हैं बहुत अधिक, इसी के कारण जो है सो प्लांट जो है सो बिल्कुल एवरग्रीन लगता है, बिल्कुल हरा भरा लगता है और शैडो यानी कि छायादार लगता है। ये जो लीफ होते हैं प्लांट के ऊपर, ये लीफ जो होते हैं वह लीनियर होते हैं, यानी कि एक रैखिक होते हैं, सीधे सीधे रहते हैं ये। उसके बाद कहीं भी ये जो है सो मुड़ा हुआ या टेढ़ा मेढ़ा आपको नहीं दिखाई देगा। उसके बाद वेरी स्मॉल लीफ जो है सो इसका बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता है आकार में, बहुत छोटे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये 2 से 3 सेंटीमीटर तक ये लंबे दिखाई देते हैं। उसके बाद स्पाइरली रहते हैं ये जो है सो लीफ जो होते हैं, जो टेक्सस का टेक्सस के प्लांट का जो स्टेम होता है और जो वेजिटेटिव ब्रांच होता है, तो इसमें ज्यादातर जो लीफ जो होता है, क्योंकि जो इसका ब्रांच होता है जो वेजिटेटिव ब्रांच होता है उसके ऊपर ये ज्यादा फॉलिएज लीफ आपको देखने को मिलता है। ये जो फॉलिएज लीफ होता है ये चारों तरफ से स्पाइरली निकलते हैं, यह किसी एक डायरेक्शन से या अपोजिट डायरेक्शन से नहीं निकलते, ये लीफ ये जो ब्रांच के चारों तरफ से जो है सो ये लीफ निकलते हैं स्पाइरली अरेंज करते हैं। इसके लीफ में जो है सो एक स्ट्रॉन्ग वेन रहता है, एक ही वेन रहता है, यानी कि सिंगल स्ट्रॉन्ग वेन इसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग मिड रिब कहते हैं, एक ही मिड रिब जो है सो लीफ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद लीफ में जो है इसमें जो लीफ का अपर सरफेस होता है, अपर सरफेस जो है सो उसका कलर जो होता है वो डार्क कलर का होता है, डार्क ग्रीन कलर का रहता है, जबकि उसका लोअर सरफेस जो होता है वह पेल कलर का होता है या रस्टी रेड कलर का होता है। टेक्सस के प्लांट का जो लीफ होता है वह बहुत ज्यादा शार्पली पॉइंटेड होता है, यानी कि उसका एपेक्स पार्ट होता है जो सिरा जो होता है वह काफी जो है सो नुकीला होता है। उसके बाद इसमें जो है पेटियोल नहीं पाया जाता है, यानी कि जिसको हम लोग डंठल कहते हैं, तो कोई भी लीफ जो होता है वह ब्रांच से एक डंठल के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। टेक्सस के प्लांट का जो लीफ होता है वह किसी पेटियोल या किसी डंठल के द्वारा ब्रांच से नहीं जुड़ा हुआ रहता है, बल्कि डायरेक्ट उसका जो लेमना होता है यानी कि जो लीफ होता है वह डायरेक्ट जो है सो ब्रांच से जुड़ा हुआ रहता है, उसमें किसी भी तरह का कोई पेटियोल आपको देखने को नहीं मिलेगा, अर्थात डंठल देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद टेक्सस के प्लांट का जो लीफ होता है वह पॉइजनस होता है, यानी कि अगर कोई जानवर, कोई कैटल यदि या कोई बीटल्स है ना, कोई इंसेक्ट वगैरह अगर इसके लीफ को जो है सो खाना चाहेगा तो वह उसको खाने के बाद जो है सो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह जो होता है बहुत ही जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। ये जो है सो टेक्सस का प्लांट है, इस टेक्सस के प्लांट का ये जो है सो देखिए ये लीफ है, ये जो है सो इसका स्टेम है, और इस स्टेम के ऊपर ये सभी जो है सो लीफ आपको देखने को मिल रहा है, जो कि स्पाइरली अरेंज है, इसी से जो है सो ब्रांचेस भी निकलते हैं। और इसमें जो है सो दो तरह के लीफ होते हैं, जो बड़े बड़े लीफ है ये जो है सो सभी फॉलिएज लीफ है, और छोटे छोटे भी लीफ रहते हैं जो कि स्केली लीफ रहते हैं। तो ये सभी जो है सो क्या होते हैं कि इसके ऊपर स्पाइरली अरेंज होते हैं, इसमें एक ही मिड रिब आपको देखने को मिलेगा, एक ही मिड रिब रहता है और काफी जो है सो वह स्ट्रॉन्ग वेन होता है। यदि हम टेक्सस के प्लांट में उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी मेल और फीमेल कोन पाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो टेक्सस का प्लांट होता है वह डायोसियस प्लांट होता है। डायोसियस का मतलब यह हो गया कि इसमें मेल कोन और फीमेल कोन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये जो है सो अलग अलग प्लांट पर आपको देखने को मिलेंगे। दोनों जो है सो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वह मेल कोन कहलाता है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वह फीमेल कोन कहलाता है।
यहां पर हमने जो है सो जो टेक्सास का प्लांट बनाया है इसमें जो है सो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको देखने को यहां मिलेगा। ये जो है सो मेल कोन है, है ना, ये मेल कोन है और इस मेल कोन में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया और इसके अंदर ही जो है सो क्या होगा कि मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर जो है सो बाहर में देखिए बहुत सारे जो है सो पोलन ग्रेन बाहर में दिखाया गया है, ये सब पोलन ग्रेन है और ये जो है सो मेल कोन को दिखाया गया है। तो ये जो है सो मेल कोन वाला प्लांट।